MIUI 12 का एक लेटेस्ट स्टेबल अपडेट हमारे Redmi के Note 4 डिवाइस के लिए आ चुका है, जो कि 12.0.4 कैट गैंग एडिशन है और यहाँ पे कई सारी चीज़ें फिक्स और इम्प्रूव की गई है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या कुछ इसमें इम्प्रूव किया गया है, क्या चेंज लॉग है, कैसा आपको गेमिंग देखने को मिलता है, क्या बग है और साथ ही साथ आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने Redmi के Note 4 डिवाइस के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है जो कि आपके काफ़ी काम आ सकता है अगर आप MIUI 12 के लवर्स हो और आप चाहते हो MIUI 12 का एंड्रॉयड 10 एडिशन यूज करना। हेलो एवरीवन, आई एम एम के एंड यू आर वॉचिंग टेक ऑफिस और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन के बारे में, जो कि MIUI 12.0.4 का स्टेबल वर्जन है और आज आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा भाई, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट के लिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि भाई मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ ताकि इतने पुराने फ़ोन को हमेशा अप टू डेट कराता रहूँ और आप कभी बोर फील ना कर सको Redmi 4 को यूज करते हुए। तो बस हमें एक छोटी सी हेल्प चाहिए होती है, वो है सपोर्ट, तो सपोर्ट जरूर करें। आते हैं इसके क्रोम के फीचर्स और इम्प्रूवमेंट के ऊपर। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्मूथ है और साथ साथ लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि 2020.8.1 का और ये कैट गैंग एडिशन है 12.0.4 का। यहाँ पे आपको इस बार इथेरियल किर्नल देखने को मिलता है, इसके पहले हमें डिफरेंट देखने को मिलता था और कुछ वहाँ पे बग्स भी थे जो कि यहाँ पे फिक्स किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉन्ट का साइज जो है काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत सारे यूजर्स को पसंद नहीं आता है। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको MIUI के वर्जन के ऊपर टैप करना है 3 से 4 टाइम, उसके बाद आपका एक डेवलपर का ऑप्शन ऑन हो जाएगा जो कि आपको एडिशनल के सेटिंग में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ब्राउज करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्मॉल विड सर्च करना है, यानी फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि हमें नीचे की ओर देखने को मिलेगा स्केल के आसपास। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले से ये 360 रहेगा तो आपको यहाँ पे 420 कर लेना है, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज करके आप देख सकते हो कि क्या साइज आपको पसंद आता है। अगर आप बिग चेंजमेंट लाते हो इसके नंबर के अंदर तो आपका फ़ोन बूट लूप में जा सकता है, तो ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, यहाँ पे आते हैं हम बैक की साइड की ओर चलते हैं। तो एडिशनल के अंदर आपको स्टेबल बिल्ड होने के बावजूद भी यहाँ पे बटन का पार्सल स्क्रीन शॉट देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छे से काम करता है। सपोर्टेबल लैंग्वेज की बात करें, अक्सर डिमांड करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सपोर्टेबल लैंग्वेज देखने को मिल जाते हैं, नीदरलैंड है, ब्राज़ील है, पुर्तगाल है और बाकी अदर ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मल्टी लैंग्वेज यहाँ पे आपको सपोर्टेड मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट एक इंडोनेशिया का लैंग्वेज आई थिंक यहाँ पे नहीं है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है। बैक साइड की ओर चलते हैं तो आपको किकबॉल में भी लेटेस्ट वाला फीचर देखने को मिलता है, जो कि वेकअप एरिया का है, जो कि अच्छे से काम करता है। फिर पहले वाला जो बिल्ड आया था उसमें हमें जो फिंगरप्रिंट का बग मिला था, जो कि गुडिक्स डेड था, बट इस बार आपको जो फिंगरप्रिंट फुल्ली फिक्स्ड कर दिया गया है, यानी अगर आप गुडिक्स यूजर्स हो या फिर एपीसी के, आपका वर्केबल रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। एंड्रॉयड 10 होने के बावजूद भी आपको ड्यूल फेस का सपोर्ट नहीं मिलता है, ओनली सिंगल फेस सपोर्ट मिलता है, बट इससे कोई खास बिग फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम वॉलपेपर की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको सुपर लाइव वॉलपेपर देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको तीनों नए लेटेस्ट वाले वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, स्ट्रोम, अर्थ और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मार्स वगैरह का, जो कि आप यूज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि लाइव वॉलपेपर का यूज ना करें, जिससे आपका सिस्टम थोड़ा सा लैगी हो जाएगा। तो आप सिंपल वॉलपेपर यूज करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। वहीं पर बैटरी की डिटेल तो आपको थोड़ा ड्रेन ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि कस्टम पे मिलता है, और हल्की से आपको स्लो चार्जिंग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ये फेस किया है। साउंड के प्रोफाइल में अभी तक आपको साउंड का असिस्टेंट देखने को नहीं मिला है, तो इन फ्यूचर वो भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो एंड्रॉयड 10 को सपोर्ट करता है और कुछ कुछ डिवाइसेज के लिए अवेलेबल है ऑफिशियली, बट यहाँ पे आपको जो पोर्ट में अभी तक देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो डार्क मोड आपको मिलता है एंड्रॉयड 10 होने की वजह से, ग्लोबल डार्क मोड का सपोर्ट, और इंडिविजुअल भी आपको दिखाई देता है, जैसे कि आप देख सकते हो इंडिविजुअल का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। यहाँ पे ग्लो का भी एक फीचर्स ऐड कर दिया गया है, जो कि हमें देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 5 मिनट का ऑप्शन और बाकी अदर ऑप्शन, ग्लांस का भी ऑप्शन दिखाई देता है, चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि काम करता है। बट यहाँ पे एक फीचर सभी है जो मिसिंग हो गया है, जो कि हमारा ग्लोब का था, वो समटाइम काम कर रहा है, समटाइम काम नहीं कर रहा था, जो कि यहाँ पे ऑटो रिमूव हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा बग है आपके MI अकाउंट का। जी हाँ, MI अकाउंट का है, जो डिटेल्स हुआ आपको ये सिंक नहीं करता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक स्टेप फॉलोअप करना होगा, जिसकी वजह से आप अपने MI अकाउंट को यूज कर पाओगे प्रॉपर। किस तरीके प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए प्ले स्टोर से बिल्ड प्रूफ एडिटर आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको इसे ओपन करना है और आपका फ़ोन जो रूटेड होना चाहिए, क्योंकि पहले से रूटेड है, तो आपको बस APK इंस्टॉल करना है मैजिक्स का, उसके बाद यह जो रूट हो जाएगा यानी एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे ओपन करते हैं, परमिशन आपको देना है, इस एडिट के ऊपर आपको टैप करना है, ठीक है, और सबसे नीचे लाइन में आ जाना है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, यहाँ पे
ओके सबसे लास्ट वाले पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक और है जो इस एंटर को टाइप करके नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ पे एक लाइन आपको राइट करनी है जो कि आर ओ आपको ऑन स्क्रीन नज़र आ रहा होगा। इस लाइन को लिख देने के बाद बिल्कुल ही एक्यूरेट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आपको सेव पे टाइप कर देना है इस तरीके से, ये सेव हो जाएगा आपके बिल्ड प्रो के अंदर। सेव होने के बाद आपको इस ट्रिपल लाइन पे जाना है। यहाँ पे आपको जो रिबूट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर हम बैक आते हैं तो यहाँ पे आपको रिबूट देखने को मिलेगा। एक बार आपको सिस्टम को रिबूट कर देना है। आप जैसे बिल्ड प्रो को एडिट करके फिक्स करोगे अपने MI अकाउंट की प्रॉब्लम, उसके बाद आपको ग्लांस का जो ऑप्शन था वो आपका मिसिंग हो जाएगा और ड्यूल फेस अनलॉक का ऑप्शन भी स्टार्टिंग पे रहता है वो भी यहाँ पे हट जाता है। तो ये दोनों फीचर्स हट जाते हैं जो कि कोई बिग इशू नहीं क्रिएट करते हैं, लेकिन आपका MI अकाउंट फिक्स हो जाता है। यहाँ पे MI होम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, बाकी सेम ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें हमेशा MI 12 की ओर देखने को मिलता है। इस पर आप वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह का यूज कर सकते हो, दिक्कत नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे आपको 10 का होने के वजह से वीडियो कॉल का बग देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो कॉल ऑटो है जो डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हो ब्लूटूथ वर्किंग है बट वीडियो कॉल कनेक्ट होने के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। फर्स्ट टाइम अगर आप फिंगरप्रिंट सेट करने आओगे तो आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा, तो ऐसे में आपको अपने सेटिंग को जाएगा फोर्स स्टॉप कर देना है। यहाँ पे सेटिंग के इन्फो में आने के बाद उसके बाद आपका जो फिंगरप्रिंट काम करने लग जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तभी आपको फोर्स स्टॉप करना है, अदरवाइज इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसका जो कैमरा है ये भी काफ़ी हद तक काम करता है बट पोर्ट्रेट का बग है। और सेल्फी अगर हम क्लिक करते हैं यहां पे तो यहाँ पे सेल्फी सेट हो जाता है, बट इसके पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेगा लेकिन थोड़ी बहुत बार ये फिक्स हो जाता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको कैमरा गो भी प्रोवाइड किया गया है, आप चाहो तो डिफरेंट यहाँ पे कैमरा यूज कर सकते हो। Antutu का स्कोर काफी ज्यादा अच्छा आया है क्योंकि यहाँ पे इटरियल यूज किया गया है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है परफॉर्मेंस में तो आप चेंज कर सकते हो। टोटल स्कोर हमें यहाँ पे मिलता है 102442 का। और वहीं पे गेमिंग की बात करें तो हमें गेमिंग काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। मैंने कुछ देर तक गेमिंग किया है और इसमें मुझे कम हीटिंग देखने को मिला है और काफ़ी अच्छा खासा आपको जो सेटिंग भी देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे गेमिंग कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से फीलिंग आएगी। वहीं पे इसका जो हेल्थ ऐप है ये भी बिल्कुल ही अप टू डेट है, क्योंकि यहाँ पे दो नए फीचर्स पहले मिसिंग थे वो आ गए, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट का, जो कि ओल्ड वाले बिल्ड में हमें देखने को नहीं मिला था। पहले से ये रूटेड रहता है बट आपको मैजिक्स नज़र नहीं आएगा, तो आपको बस मैजिक्स का APK इंस्टॉल करना है। अगर आप यहाँ पे जिप फाइल को फ्लैश करोगे तो आपको बूट लूप देखने को मिलेगा, तो आपको मैजिक्स का जिप फ्लैश नहीं करना है। और यहाँ पे आपका नेट सेफ्टी भी बिल्कुल ही पास रहता है। और ये जो स्टोर है आपका थीम का, ये चाइना लैंग्वेज को सपोर्ट करता है बट आप यहाँ से जो डाउनलोड कर सकते हो अपने थीम्स वगैरह को अप्लाई कर सकते हो और MTZ वगैरह का भी आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो इंपोर्ट करने के बाद। और नेट सेफ्टी पास करते ही आपका जो प्ले स्टोर है ये सर्टिफाइड हो जाएगा डेटा क्लीन करने के बाद। इसके पहले ये अनसर्टिफाइड रहता है, तो एक आपको डेटा क्लीन करना है। बहुत सारे यूजर्स डिमांड करते हैं कि हम गेट ऐप यूज कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट गेट ऐप इंस्टॉल्ड मिलता है, तो अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड्रॉयड 10 की वजह से आपको यहाँ पे जो एंड्रॉयड 10 का नेबार भी देखने को मिलता है, लेकिन एक छोटी सी कमी है, वो हमारे नेबार का जो एरिया है ये कुछ ज़्यादा है जो कैप्चर करता है एंड्रॉयड 10 का, तो अब मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे हाइड ही रखो तो प्रॉपर सही रहेगा, अदरवाइज कुछ ज़्यादा ही ये एरिया को कैप्चर करेगा तो आपको दिक्कत आ सकता है समटाइम बेसिक नॉर्मल यूजेज के ऊपर। इस बार गैलरी को भी बिल्कुल ही अप टू डेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको स्काई के अंदर नाइट मोड वगैरह के भी फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी इमेज के अंदर काफ़ी अच्छा खासा चेंजमेंट है जो कर सकते हो। और इन सभी फीचर्स के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दिया था, तो आपने वॉच किया तो आपको पता होगा क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, नहीं वॉच किया तो भाई नहीं पता होगा। यहाँ पे आपको वीडियो एडिटिंग टूल भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम इसके लैंडस्केप में करते हैं कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे लुक देखने को मिल जाता है हमारे कंट्रोल सेंटर का, जो कि बिल्कुल ही चेंज हो गया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर हम आते हैं इसके चैनल के ऊपर तो आप देख सकते हो कि लेटेस्ट अगस्त का सिक्योरिटी पैच है, इथरियल कर्नेल यूज किया गया है, फ्लेम गैप्स यूज किया गया है, फेस अनलॉक, ब्लूटूथ कॉलिंग, हॉटस्पॉट और टच का बग है जो फिक्स किया गया है, परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड है, स्टेबिलिटी भी इनहेंस की गई है और बाकी अदर प्रॉब्लम भी फिक्स किया गया है जैसे गुडिक्स वगैरह का, और इंक्रीज किया गया है गूगल कैमरा एडिशन है जो ऐड कर दिया गया है, वाइड वाइन L3 का सपोर्ट इंक्लूड किया गया है, राउंड कॉर्नर भी मिल जाता है आपको यहाँ पे, बाकी अदर ऑप्टिमाइजिंग वगैरह भी यहाँ पे किया गया है। MI का जो सिंक का ऑप्शन है जो कि मैंने आपको बताया कि बग था लेकिन उसे फिक्स करना है मैंने बता दिया है, लेकिन इसे फिक्स करते ही आपको ड्यूल फेस अनलॉक का ऑप्शन रिमूव हो जाएगा और जो ग्लांस का ऑप्शन है वो भी रिमूव हो जाता है। और सम टाइम रिबूट करने के बाद कुछ सेटिंग है जो बाय डिफॉल्ट पे सेट हो जाता है, तब को फिर से सेटिंग करना पड़ेगा। एक रीडिंग मोड का बग है जो कि अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, बट उसके लिए आप किसी भी एप्लीकेशन का हेल्प ले सकते हो जो कि आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा, जिसके यूज पे आप जो रीडिंग मोड को एक्टिवेट कर पाओगे इजीली, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं आता है।
अब आते हैं इसके TWRP के ऊपर कि कैसे हमें इसे फ्लैश करना है। बूट करने के बाद अगर आप ऑरेंज फॉक्स का R11 यूज कर रहे हो या फिर पिच ब्लैक यूज कर रहे हो तो भी मेथड सेम होने वाला है, लेकिन उन पर अगर आपको कोई भी एरर आता है तो आप डायरेक्ट स्विच कर जाना ऑफिशियल रिकवरी के ऊपर, जो कि मैं फिलहाल अभी यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर सभी को सिलेक्ट करके आपको वाइप कर देना है कम्प्लीट। कम्प्लीट वाइप हो जाने के बाद जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसे डाउनलोड करना है, इंटरनल में पुट करना है और ब्राउज करना है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा MI का 12.0.4 कैट गैंग एडिशन, इसे सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे फ्लैश कर देना है। ये रीस्टोरेबल फाइल नहीं है, ये फ्लैशिंग फाइल है और जिनके थ्रू ये पोर्ट किया गया उनका नेम भी आपको देखने को मिल जाता है। समटाइम आपने नोटिस किया हुआ कि डिवाइस स्टोरेज करप्टेड दिखाई दे रहा है पॉपअप के रूप में, तो ये इसलिए क्योंकि इसमें MI अकाउंट को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था सिंक का, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट बिल्ड आएगा उसमें सब कुछ फिक्स कर दिया जाएगा और जैसे जैसे अपडेट आते हैं फिक्सेज आते हैं वैसे वैसे मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करता रहूँगा। बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद एक बार आपको यहाँ पे वाइप कैच करना है और रिबूट पे टैप कर देना है। फर्स्ट बूट ऑन होने में मे बी 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, तो आप वेट कर सकते हो। और अभी जस्ट मैंने रिव्यू किया है 1+70 Pro के ऑक्सीजन वॉइस के पोर्ट रोम का, जो कि आपको 90 FPS तक है जो फ्रेम रेट अनलॉक करके देता है पबजी के ऊपर। आपने वीडियो नहीं वॉच किया तो जरूर वॉच करें, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अमेजिंग है, एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस है, तो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पूरा इन्फॉर्मेशन इस रूम के बारे में मिल गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम पे आप है जो मुझसे बात कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।